पीयूष कुमार सिंह, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और सबसे पहले मेरे सारे भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हम जो दुनिया भर के विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी भारतवासी है, तो सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसा कि अब देश के बारे में बात करते हैं, अपना देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश आत्मनिर्भर होगा, इस देश कैसे आत्मनिर्भर होगा, जब हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, या हमारे देश में जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी संसाधन हैं, वो आत्मनिर्भरता की ओर जाएंगे। बाहर से कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उतना ही हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा। और इसी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और याद करा दूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, टॉयकथॉन। जैसा कि खिलौना उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, और भारत में भी इसका कारोबार बहुत बड़ा है, और अभी भी 80-90% जो कारोबार का सामान है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। तो देश ने प्रयास किया हुआ है, जिसमें हम सभी युवा वर्ग, किसी भी वर्ग का युवा हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई एक बच्चा हो, सारे वर्ग के लिए ये ओपन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो लास्ट डेट 20 जनवरी थी, आप लोगों को पता होगा, अब वो बढ़ा करके 31 जनवरी कर दी गई है। तो लास्ट डेट, इस डेट को आप ना भूलें, 31 जनवरी। 31 जनवरी को आप लोग अभी भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। और जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, टोटल 9 फील्ड्स हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोग को बताया था क्या टीम साइज़ होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे मेंटर्स होना है, तो आपने उस वीडियो में जाकर के अभी आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 31 जनवरी डेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेक श्योर कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर इस टॉयकथॉन में, तो आप प्लीज़ रजिस्टर करें। जीते या हारे, दैट इज़ अ पार्ट फ्रॉम एनी स्टोरी, कि पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। क्योंकि जब कोई भी चीज़ इंडिया लेवल पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका स्मॉल एफर्ट देश के लिए बड़ा एफर्ट हो सकता है। क्योंकि आपको शायद, हमें नहीं पता होता है कि ये हमारा आइडिया छोटा है, ये आइडिया तो किसी काम का नहीं है, बट जब बहुत सारे लोग उसको जज करते हैं, तो उस आइडिया से भी एक कोई नया आइडिया निकल आता है। जैसे कि हम सभी लोग आपस में कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो उस बातों में कुछ नया सोच ले जाते हैं। तो यही चाहिए, टीम स्पिरिट, टीम बनाइए। और अभी भी आपके पास अराउंड 1 वीक का टाइम है, तो यानी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, कि जो खिलौने बाजार में अभी हैं, आप उनको देखें, एनालाइज करें, और उसी में कुछ नया करने का प्रयास करें। ठीक है, आपको कोई इन्वेंशन नहीं करना है, तो मेक श्योर कि इन्वेंशन और इनोवेशन में आप अंतर समझें। इन्वेंशन इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया आपने बना दिया, एंड इनोवेशन इज जो भी चीज़ें हैं उसमें आपने कुछ बेहतर किया। दैट्स वाई इनोवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि इन्वेंशन जो होता है, वो बहुत सालों में कभी एक बार कुछ नई चीज़ आ गई, बाकी चीज़ों में इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, कि वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वट एवर क्वालिटी यू हैव, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट अ न्यू क्वालिटी, बट वट एवर क्वालिटी यू हैव, जस्ट इनहेंस दोज क्वालिटीज सो दैट यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दैट्स इट, that is only required in competition also. Whatever you skill you have, you just polish that skills and try to get some new innovations that will help you in winning also and in terms of industry atmanirbharta also. क्योंकि कहीं ना कहीं देश, जब सभी लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो कुछ नया निकल के आएगा, बहुत कुछ, और वो ओवरऑल देश के लिए भी अच्छा होगा, आत्मनिर्भरता की ओर अच्छा होगा। तो इस रिपब्लिक डे में, जैसा कि हम लोग हर बार रेजोल्यूशन लेते हैं, तो रिपब्लिक डे में भी अब कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता की। हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, देश के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे विकास के साथ में भी कुछ देश का भी विकास हो। तो कहीं ना कहीं जस्ट बी इंडियन, प्राउड इंडियन, एंड पूरे वर्ल्ड में अपने आप को हम लोगों को फैलाना है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ग्लोरी को हमको जितना हो सकता है, कि कहीं भी कंट्री में आप जाएं, आप ये कहें वी आर इंडियंस, तो हम लोगों को एक अच्छा मजबूती से लोग कहें यस दिस पर्सन इज़ फ्रॉम इंडिया विच इज़ अ ग्रेट कंट्री। सो थैंक यू ऑल,
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग कॉम्पिटिशन योर एग्जामिनेशन एंड ऑल एंड अगेन जय हिंद जय भारत।